अ वेरी वॉर्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गेट क्रैश कोर्स में आपका हार्दिक स्वागत है। इस सीरीज के अंदर हम कुछ भी डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ उतना पढ़ेंगे जितना हमें चाहिए गेट एग्जाम को क्रैक करने के लिए। अगर आप हमारी गेट क्रैश कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो सिर्फ बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, हमारे अगले लेक्चर का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा और इससे पहले कि सभी लेक्चर्स हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, श्योर शॉर्ट टॉपिक जो है वो है मैकेनिकल वाइब्रेशंस। तो जैसा मैंने पहले ही बताया कि कम से कम आप कोई सा भी पेपर उठा के देख लीजिए, कोई सा भी, कम से कम 2 नंबर का क्वेश्चन मैकेनिकल वाइब्रेशंस में से हर साल आया है। और ये लेक्चर कॉन्टिन्यूशन में है, हमने इस लेक्चर के पार्ट 1 में फ्री वाइब्रेशन स्टडी करी, पार्ट 2 में उसके न्यूमेरिकल किए, पार्ट 3 में हमने डैम्प्ड वाइब्रेशंस को स्टडी किया, फिर पार्ट 4 में हमने उसके न्यूमेरिकल्स किए, और आज हम स्टडी कर रहे हैं पार्ट 5 जिसके अंदर हम फोर्स्ड डैम्प्ड वाइब्रेशंस को स्टडी करेंगे। ठीक है, मतलब डैम्प्ड वाइब्रेशन तो होगी, साथ में उसके ऊपर लग रही होगी एक एक्साइटेशन फोर्स। और यकीन मानिए टॉपिक बहुत आसान है। ठीक है, तो सपोज कीजिए डायग्राम हमने पहले भी ड्रॉ किए, तो यहां पर है हमारे पास एक मास, ठीक है, मास है, और यहां पर एक स्प्रिंग है, इसकी स्टिफनेस है एस, और यहां पर हमारे पास है डैम्पर और इसका डैम्पिंग कॉफिशियंट है सी। ठीक है, तो ये स्प्रिंग आगे, इसकी स्टिफनेस है एस, और डैम्पर, इसका डैम्पिंग कॉफिशियंट है सी, और मास है एम। तो ये हमारा एक डैम्प्ड सिस्टम है, और उसके अंदर हमने मॉडिफिकेशन क्या किया है कि इसके अंदर हमने लगाई है एक एक्साइटेशन फोर्स विच इज एफ नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये जो फोर्स है, फोर्स ये टाइम के साथ साथ वेरी कर रही है, फ्रॉम -1 to 1 साइन की जो वैल्यू है -1 से 1 तक वेरी करेगी ना, साइक्लिक मैनर एज अ साइन वेव। तो ये जो फोर्स है एक हार्मोनिक फोर्स है, जो एक्साइटेशन फोर्स एक हार्मोनिक फोर्स है। ठीक है, तो हमें इसका वाइब्रेशन का एनालिसिस करना है। ठीक है, तो जब हम एनालिसिस करते हैं तो अगेन जैसे कि हमने पार्ट 1 में स्टडी किया था कि हम चीजों को एनालाइज कैसे करते हैं, बाय बाय इक्विलिब्रियम मेथड, हम इस मास के ऊपर लगाते हैं डी एम्बर्ट प्रिंसिपल, जो ये कहते हैं कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एंड इनर्शिया फोर्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो क्या चीज है, इसके ऊपर फोर्स लगेगी एक ऊपर की तरफ, एंड दैट इज एस एक्स, स्प्रिंग फोर्स इनटू डिफ्लेक्शन, और ऊपर की तरफ लगेगी सी एक्स डॉट। ये क्या है, हमारी डैम्पिंग फोर्स, दैट इज डैम्पिंग कॉफिशियंट मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, और हमारे पास इसके ऊपर लगेगी एक इनर्शिया फोर्स, और इनर्शिया फोर्स कितनी होगी, इट विल बी एम एक्स डबल डॉट। ठीक है, और नीचे की तरफ क्या लग रही है, नीचे तीनों फोर्सेस ऊपर लग रहे हैं, नीचे की तरफ लग रही है एफ नॉट साइन ओमेगा टी। तो राजी, जब हम इसके ऊपर डी एम्बर्ट प्रिंसिपल लगाते हैं कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो, तो इक्वेशन क्या निकल के आती है, इक्वेशन निकल के आती है एम एक्स डबल डॉट प्लस सी एक्स डॉट प्लस एस एक्स इज इक्वल टू एफ नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, इसमें मुझे पता है आपको कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको ऑलरेडी मालूम है, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो, तीन फोर्सेस ऊपर की तरफ लग रही है, एक फोर्स नीचे की तरफ लग रही है, तो ऊपर वाली सारी फोर्सेस क्या होंगी, नीचे जो फोर्स लग रही है उसके बराबर होगी। ठीक है ना, तो ये इक्वेशन आ गई, तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, और ये रची जैसे कि एक क्रैश कोर्स है। ठीक है ना, हम डायरेक्ट वही चीज पढ़ रहे हैं जो हमें एग्जाम के लिए चाहिए, तो एनालिसिस मैं इसका नहीं कर रहा। अगर आप डिटेल्ड एनालिसिस देखना चाहते तो हमारी वेबसाइट पर डिटेल्ड एक वाइब्रेशन का कोर्स है, आप उसे स्टडी कर लीजिए, उसमें सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, पर फिलहाल के लिए इसका जो डायरेक्ट रिजल्ट आता है, इट कम्स आउट टू बी एक्स, जिसकी मुझे वैल्यू निकालनी है, इज इक्वल टू कैपिटल एक्स। कैपिटल एक्स आपको पता है, इनिशियली आपने इस मास को थोड़ा सा पीछे खींच के छोड़ दिया। ठीक है, तो जो इनिशियल एम्पलीट्यूड हम देते हैं, दैट्स कैपिटल एक्स, ई रेज टू पावर माइनस झाई ओमेगा नेचुरल टी साइन ओमेगा डी टी प्लस फाइ वन। ठीक है, ये टर्म आपको ऑलरेडी मालूम थी, जो हमारा पिछला सेशन था उसके अंदर हमने इसको स्टडी किया था। ठीक है, एक्स इज इक्वल माइनस झाई ओमेगा एन टी साइन ओमेगा डी टी प्लस फाइ वन प्लस प्लस एक और टर्म आ रही है इसके अंदर, क्या, एफ नॉट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस एम ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस सी ओमेगा होल स्क्वायर। ठीक है, साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। ठीक है, यहां पर ये है फाइव, ये है फाइव वन, दोनों अलग अलग है। ठीक है,
x is equal to this term plus f naught divided by square root of s minus m omega square whole square plus c omega whole square. ठीक है, टर्म आती निकल के into sin omega omega sin omega t minus minus phi. ठीक है, जहां पर राजी ओमेगा क्या है, ओमेगा इज द फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्साइटेशन फोर्स. ठीक है, फोर्स के लिए एफ नॉट साइन ओमेगा टी. तो गौर करने वाली बात ही यहां पे है ओमेगा डी, यहां है ओमेगा एन और यहां पे है ओमेगा. ठीक है रजे, इस फॉर्मूले को देख के घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हमें इस इक्वेशन पूरी इक्वेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी. एक्चुअली उसके पीछे एक रीजन है. ठीक है, अगर आप बुक पढ़ते हैं इस टॉपिक को, अगर आप बुक में स्टडी करते हैं तो टर्म आती है स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स. ठीक है, स्टेडी स्टेट मतलब जब चीजें स्टेग्नेंट हो जाती हैं, ठीक है, स्टेबल हो जाती हैं. ठीक है, एक्चुअली अगर आप इस टर्म पे गौर करें तो यहां पर आपको टी नजर आ रहा है. ठीक है, एक्चुअली आप पूरे क्वेश्चन पे गौर करें क्या रजे, आप इस टर्म को ना देखिए तो ये जो पहली जो टर्म नजर आ रही है दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एम एक्स डबल डॉट प्लस सी एक्स डॉट प्लस एस एक्स इज इक्वल टू जीरो. ये हमने पिछले सेशन में किया था. तो दिस इक्वेशन इज इक्वल टू जीरो, ये उसका सॉल्यूशन है प्लस प्लस. एक्चुअल में अगर आपकी मैथ्स में थोड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है तो आपको पता होगा कि इस टाइप की क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं. देर इज समथिंग कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड देर इज समथिंग कॉल्ड पर्टिकुलर इंटीग्रल. ठीक है, तो ये है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, दिस इक्वेशन इज इक्वल टू जीरो उसका सॉल्यूशन, और ये हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल ये आया है बिकॉज ऑफ दिस टर्म. अगर नहीं पता तो हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है. ठीक है ना, अब क्या चीज है मैं आपको बताता हूं क्या, कि जैसे से राजे टाइम आगे जाता जाता है तो वैसे वैसे टी बढ़ता जाएगा, तो ये वाली टर्म छोटी होती जाएगी. तो ये वाली जो टर्म है राजे, ये पूरी की पूरी जो टर्म है, ये टर्म धीरे धीरे जीरो को अप्रोच करेगी या फिर डिमिनिश हो जाएगी या फिर खत्म हो जाएगी. ठीक है, तो शुरुआत में जब वाइब्रेशन को आप शुरू करते हो तो आपको ये इक्वेशन मिलती है, पर हमें इस इक्वेशन की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी. क्यों? क्योंकि थोड़े टाइम बाद ये टर्म जो है गायब हो जाएगी और जो इक्वेशन बचेगी दैट विल बी दिस. ठीक है, जो हमारी x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू जो हमें चाहिए, ठीक है, दिस इज इक्वल टू दिस. हाँ, ये फॉर्मूला एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है. ठीक है, और उस फॉर्मूले में भी क्या चीज इंपॉर्टेंट है, x राजे, x क्या चीज है, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट. x क्या चीज है, डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t. ठीक है, तो ये बेसिकली एक वेव है, एक वाइब्रेशन है. ठीक है, जिसका एम्पलीट्यूड क्या है, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड a, एम्पलीट्यूड कितना है, इट इज f नॉट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस m ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस c ओमेगा होल स्क्वायर. ठीक है, तो जो हमारा जो ये फोर्स्ड वाइब्रेशन है उसका एम्पलीट्यूड क्या है, उसका एम्पलीट्यूड ये होगा. ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए. ये फॉर्मूला आपको हर टॉपिक में, इसके बाद जितने भी टॉपिक्स हम पढ़ेंगे हर टॉपिक में आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, और चिंता की कोई बात नहीं है. ये आपको याद कराना मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको याद करा के दूंगा. ठीक है, मैं आपको एक ऐसा अभी मेथड से ये निकलवा के दूंगा, आपको हमेशा लाइफ टाइम ये याद रहेगा. ठीक है ना, तो ये आ गया है हमारा एम्पलीट्यूड. ठीक है, सबसे पहले तो मैं इस फॉर्मूले को एक और फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं. ठीक है, अभी पूरा कन्वर्ट करके दिखा रहा हूं, आगे के टॉपिक्स में इसको डायरेक्टली लिख दिया करूंगा. ठीक है, तो इसको एक और फॉर्म में हम लेके आते हैं. दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो एग्जाम के लिए हमें चाहिए होगा. ठीक है, तो मैं क्या करता हूं राजे, मैं क्या करता हूं, मैं ऊपर और नीचे दोनों ही तरफ, मैं ऊपर और नीचे दोनों ही तरफ स्टिफनेस एस से डिवाइड कर रहा हूं. ठीक है, तो शायद राजे इससे पहले की जितने भी लेक्चर्स थे उसमें मैंने स्टिफनेस के ली थी, इस बार स्टिफनेस एस ले रहा हूं तो कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, तो इज इक्वल टू ऊपर भी मैं डिवाइड कर रहा हूं एस से, एफ नॉट डिवाइडेड बाय एस, और नीचे का जो पूरा स्क्वायर रूट है, पूरा जो स्क्वायर रूट है दैट इज एस माइनस एम ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस सी ओमेगा होल स्क्वायर. ये जो पूरा स्क्वायर रूट है ये भी मैं डिवाइड कर रहा हूं पूरा स्क्वायर रूट एस से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है राजी, अभी ना ये एस स्क्वायर रूट के बाहर है, मैं इसे स्क्वायर रूट के अंदर लेके जा रहा हूं, और जैसे मैं स्क्वायर रूट को स्क्वायर रूट के अंदर लेके जाऊंगा तो ये एस क्या बन जाएगा, एस स्क्वायर. ठीक है, तो ये फॉर्मूला, अब ये स्क्वायर रूट को मैं अंदर लेके जा रहा हूं, इस एस को मैं अंदर लेके जा रहा हूं, तो ये क्या बन जाएगा, एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर. ठीक है, बाहर था एस, अंदर जाके बन गया एस स्क्वायर. अब यहां पर भी स्क्वायर है, यहां पर भी स्क्वायर है,
अब मैं इस s को इन ब्रैकेट्स के अंदर लेके जाऊंगा, ठीक है। तो जब मैं इस s को इन ब्रैकेट्स के अंदर लेके जाऊंगा, ठीक है, सो द न्यू फॉर्मूला इट विल बी लाइक दिस, डिवाइडेड बाय s डिवाइडेड बाय s, ठीक है, एंड द न्यू फॉर्मूला विल बी समथिंग लाइक दिस, ये, ठीक है। तो ये जो चीज है, जब s से ऊपर और नीचे डिवाइड करते हो तो इसके बराबर होती है, ठीक है। तो ये किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू एफ नॉट बाय s डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ राजी s बाय s, ये क्या आ गया 1, सो दिस इज 1 माइनस, राजी क्या आपको याद है s डिवाइडेड बाय n क्या होता है, ओमेगा है, व्हाट इज ओमेगा नेचुरल, ओमेगा नेचुरल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ s बाय m, ठीक है। तो s बाय m क्या हो गया, ओमेगा नेचुरल का स्क्वायर, ठीक है। सो दिस ये टर्म क्या बन जाएगी, ये टर्म इट विल बी ओमेगा डिवाइडेड बाय ओमेगा n का होल स्क्वायर, ठीक है, इस पूरी टर्म का स्क्वायर, ये ब्रैकेट है पूरा इसका पूरे का स्क्वायर, ठीक है, प्लस प्लस राजी आपको याद होगा डैम्पिंग कॉफिशिएंट के फॉर्मूले कराए थे आपको, इट वाज c इज इक्वल टू 2 झाई स्क्वायर रूट s m, ठीक है, और एक फॉर्मूला करवाया था, इट वाज 2 झाई s डिवाइडेड बाय ओमेगा n, ठीक है, ये फॉर्मूला करवाया था। तो इससे c by s की वैल्यू क्या आ जाएगी, इट विल बी 2 झाई डिवाइडेड बाय ओमेगा n, ठीक है। तो ये वैल्यू आ रही है, इस वैल्यू को मैं यहां पुट कर रहा हूं, c by s की वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, ठीक है, और मेरे पास निकल के क्या आता है 2 झाई ओमेगा डिवाइडेड बाय ओमेगा n का होल स्क्वायर, ये, ठीक है। सो राजी दीज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, ये फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद कराना मेरी जिम्मेदारी, मैं आपको याद करा के दूंगा, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड का एक ये वाला फॉर्मूला है और एम्पलीट्यूड का एक ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ठीक है। किसके फॉर्मूले ये, क्या कि जो ये जो वाइब्रेट करेगा हमारा मास, जो वाइब्रेट करेगा उस वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड क्या होगा, ये उसके फॉर्मूले है, ठीक है ना। तो ये दोनों फॉर्मूले हमें याद करने हैं, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा इसको देखते हैं कि ये मतलब आए कहां से, हालांकि इसका डिटेल्ड एनालिसिस हमारे दूसरे लेक्चर्स के अंदर अवेलेबल है, पर थोड़ा सा एक आइडिया लेने की कोशिश करेंगे कि ये आया कहां से, ठीक है। तो मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि आपने जो फर्स्ट पार्ट है वो अटेंड कर रखा है, ठीक है, मैं एक अजम्पशन लेके चल रहा हूं कि जो फर्स्ट पार्ट है वाइब्रेशंस को आपने अटेंड किया है, उसमें राजी मैंने आपको लिखवाया था कि x इज इक्वल टू कैपिटल x या फिर एम्पलीट्यूड साइन ओमेगा टी प्लस फाइ, ठीक है, ओमेगा टी प्लस फाइ ले लो या माइनस फाइ ले लो, इट डजंट मेक्स अ डिफरेंस, ठीक है, माइनस फाइ से ले लो क्योंकि हमने यहां पे माइनस फाइ लिया था, ठीक है। सो x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस फाइ, ठीक है, ये आ गया हमारा x। तो मैंने उसमें आपको बताया था कि x डॉट इसका फर्स्ट डेरिवेटिव वेलोसिटी क्या होता है, इट वॉज क्या आएगा राजे, इट विल बी ए ओमेगा, लिख ही देता हूं मैं, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव, ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए ओमेगा साइन पाई बाय टू प्लस ओमेगा टी माइनस फाइव, ये लिख सकते हैं नहीं, ठीक है, ठीक है। और हम x डबल डॉट इसको क्या, ये क्या आएगा, इट विल बी माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, सही है, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूं ए ओमेगा स्क्वायर साइन पाई प्लस ओमेगा टी माइनस फाइव, ठीक है। तो ये फॉर्मूले मैंने डेवलप किए थे फर्स्ट सेशन के अंदर जो वाइब्रेशन का हमारा था। तो राजे उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, पहली बात राजे x क्या है, डिस्प्लेसमेंट, x डॉट क्या है, वेलोसिटी, और x डबल डॉट क्या है, एक्सेलरेशन, ठीक है। और दूसरी बात आपको क्या बताई थी कि जो वेलोसिटी वेक्टर है ये 90 डिग्री आगे चल रहा है डिस्प्लेसमेंट से, और जो मेरा एक्सेलरेशन वेक्टर ये 90 डिग्री आगे है वेलोसिटी के, और एक्सेलरेशन वेक्टर 180 डिग्री आगे चल रहा है किसके, डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है। तो ये चीजें हमने उसमें डिस्कस करी थी, ठीक है। तो आइए इनको यहां पे पुट करते हैं, ये जो वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज x x डॉट x डबल डॉट इसकी वैल्यूज यहां पे पुट करते हैं, और हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा व्हाट वी आर गेटिंग इज m ओमेगा स्क्वायर a, m ओमेगा स्क्वायर a साइन पाई प्लस ओमेगा t माइनस फाइव, ठीक है, प्लस
प्लस ये क्या चीज है, इट इज c, और वेलोसिटी x डॉट ये क्या है, ओमेगा a साइन पाई बाय 2 प्लस ओमेगा t माइनस 5, ठीक है। और sx क्या चीज है, प्लस s इंटू a साइन ओमेगा t माइनस 5, ठीक है, इज इक्वल टू f नॉट साइन ओमेगा t, ठीक है। ये हम फॉर्मूला याद करने के लिए कर रहे हैं, जो भी हम देख रहे हैं, ठीक है। क्या चीज है रजे, एक्चुअल में अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, क्या, तो ये पहली बात, ये जो फोर्सेस हैं ऑल ऑफ देम, दिस इज द वेक्टर इक्वेशन, ये एक वेक्टर इक्वेशन है। ये यहां पर है मेरे पास एक्सेलरेशन, यहां पर है वेलोसिटी, और यहां पे है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, ये इसके 90 पे होगा, और ये इसके आगे 90 पे होगा, और इन सबका सम बराबर होगा इसके, इन तीनों का सम होगा बराबर इसके, ठीक है। तो राजे अगर मैं इसे पूरा एनालिसिस है, पर मैं आपको शॉर्ट में करके ड्रॉ कर रहा हूं ताकि याद रहे, तो अगर मैं इसको इसको वेक्टर सम अगर करके दिखाऊं आपको ग्राफिकली, तो इट इज समथिंग लाइक दिस, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर, ठीक है। ये मेरा कौन सा वेक्टर है, ये वाला जो वेक्टर है, दिस इज माई, सबसे पहले मैं यहां पर ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है। ये एंगल राजी, ये पूरा एंगल तो है, ये पूरा एंगल है ओमेगा टी, ठीक है, ये पूरा एंगल है ओमेगा टी, और ये वाला एंगल ये है फाई, ठीक है। तो ये है ओमेगा टी और ये है फाई, ठीक है। अब ये जो मेरा वेक्टर है, इट रिप्रेजेंट्स माय दिस स्प्रिंग फोर्स जो कि क्या है, एस ए, ये पूरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्प्रिंग फोर्स एस ए। इस स्प्रिंग फोर्स के 90 डिग्री पे कौन सी फोर्स है, मेरा डैम्पिंग फोर्स, जो कि कितनी है, सी ओमेगा ए, ये स्प्रिंग फोर्स है, ठीक है। हम इन सारे फोर्सेस को वेक्टोरियली जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ग्राफिकली जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये मेरा स्प्रिंग फोर्स है, ठीक है। इसके आगे ये, इसके 90 डिग्री पे कौन सी है, मेरी डैम्पिंग फोर्स, और इस डैम्पिंग फोर्स के आगे 90 डिग्री पे ये है मेरी इनर्शिया फोर्स, विच इज एम ओमेगा स्क्वायर ए, ठीक है, ये आ गया, ठीक है, m ओमेगा स्क्वायर a, ठीक है। और दिस फोर्स दिस प्लस प्लस दिस फोर्स प्लस दिस फोर्स, इट गिव्स मी f नॉट, ठीक है। तो ये जो फोर्स आ गई राजी, ये वाली, ये क्या आ रही है मेरी, f नॉट, ठीक है। तो ये इसका, इन चारों फोर्सेस को मैंने ग्राफिकली ड्रॉ किए, ठीक है। आप इनके एंगल्स भी देख सकते हैं, f नॉट x एक्सिस से क्या एंगल बना रहा है, ओमेगा t, ठीक है। और जो मेरा एस ए स्प्रिंग फोर्स है, वो क्या बना रहा है, दिस इज ओमेगा टी एंड दिस इज फाइव। सो ये वाला एंगल यहां से यहां तक, ये एंगल कितना होगा, दैट विल बी ओमेगा टी माइनस फाइव, ठीक है, यहां तक। तो इस तरह से इसके 90 पे ये है, 90 पे ये है, ठीक है। तो ये इसका वेक्टर सम दर्शाया गया, ठीक है। अब राजे अगर आपको ये ग्राफ समझ आ गए, ठीक है, तो आप वो फॉर्मूले को कभी नहीं भूल सकते, क्यों, क्योंकि आपको पाइथागोरस थ्योरम आती है, ठीक है ना। तो क्या चीज है राजी, क्या ये देख रहे हो आप, यहां पे ये हाइट, ठीक है, ये हाइट कितनी है, सी ओमेगा ए, और ये लंबाई यहां से लेकर यहां तक, ये लंबाई कितनी है, दिस, ये पूरा है एस ए, ये है एम ओमेगा स्क्वायर ए, तो ये लंबाई कितनी आएगी, दैट विल बी माई एस ए माइनस एम ओमेगा स्क्वायर ए, ठीक है। तो हम सभी को पाइथागोरस आती है, तो क्या है, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर, ठीक है। तो क्या आ रहा है, ये सारा मैं रब कर रहा हूं, ठीक है। तो इस डायग्राम से क्या निकल के आ रहा है, क्या इस डायग्राम से निकल के आ रहा है कि f नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू s स्क्वायर a स्क्वायर प्लस, इस डायग्राम से निकल के आ रहा है मेरे पास, इट इज ये a और a कॉमन आ रहा है, s माइनस एम ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर ए स्क्वायर, यानी दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर प्लस सी ओमेगा होल स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। तो मेरे ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, f नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय s माइनस एम ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस सी ओमेगा होल स्क्वायर, तो a की वैल्यू क्या आ गई, a इज इक्वल टू f नॉट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस एम ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस सी ओमेगा होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब आपको
फोर्स्ड वाइब्रेशन का, फोर्स्ड डैम्प्ड वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड जिंदगी भर याद रहेगा, ठीक है ना। सो दिस इज द एम्पलीट्यूड, ठीक है। बड़ी आराम से आप इस फॉर्मूले को ग्राफिकली आप निकाल सकते हैं, और एक बार आपने ग्राफिकली एक दो बार आपने निकाल दिया तो आपको फॉर्मूला याद ही हो जाएगा, ठीक है। और हम इससे एक और बड़ी प्यारी चीज निकाल सकते हैं, क्या वो है फाई, एंगल फाई की वैल्यू, ठीक है। एंगल फाई की वैल्यू, पहले तो राजी हम कहते रहते हैं फेज एंगल इज फाई, ये क्या है, क्या ये फाई है क्या? फाई राजे फेज लैग है, फेज लैग, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एफ नॉट, आप फोर्स क्या अप्लाई कर रहे हैं एफ नॉट, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट है इस डायरेक्शन में, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। तो अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो जो डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर है, जो एक्स का वेक्टर है, एक्स का जो वेक्टर है ये मेरे फोर्स के वेक्टर से एंगल फाई पीछे चल रहा है, ठीक है। एंगल फाई पीछे चल रहा है, ठीक है। तो ये मेरा फोर्स का वेक्टर है, ये ऐसे से गोल 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 घूम रहा है, ठीक है ना। और जो मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो इससे फाई एंगल पीछे चल रहा है, ठीक है। तो ये कितना एंगल पीछे चल रहा है, हम चाहे तो उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं बड़े ही आराम से। इस फॉर्मूले के अंदर क्लियरली नजर आ रहा है क्या राजे, टैन फाई की वैल्यू कितनी होगी, ये पूरा नोट कर देता हूं, ठीक है। तो टैन फाई इसकी वैल्यू कितनी होगी, इट विल बी सी ओमेगा ए डिवाइडेड बाय, टैन फाई क्या होता है, हाइट डिवाइडेड बाय बेस, और बेस कितना है, एस माइनस एम ओमेगा स्क्वायर इनटू ए, ठीक है। ये कितना है, एस ए माइनस एम ओमेगा स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं एस माइनस एम ओमेगा स्क्वायर इनटू ए, ठीक है। तो ये मेरे टैन फाई की वैल्यू ए से ए कट जाएगा, ठीक है, ए से ए कट जाएगा। तो जो मेरे टैन फाई का फॉर्मूला आ रहा है, ठीक है, इट इज दिस, ये ठीक है, टैन फाई इज इक्वल टू दिस, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसे इस फॉर्मूले को एक और फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। वही क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा, ऊपर भी स्टिफनेस एस से डिवाइड कर रहा हूं, नीचे भी स्टिफनेस एस से डिवाइड कर रहा हूं, तो मेरे पास जो नया फॉर्मूला है वो क्या आ जाएगा, इट विल बी टू झाई ओमेगा डिवाइडेड बाय ओमेगा एन डिवाइडेड बाय वन माइनस ओमेगा बाय ओमेगा एन का होल स्क्वायर, ठीक है, ये। So this is my new formula, ठीक है। राजे देखने में चीजें बेशक कॉम्प्लेक्स लग रही हूं, मैं स्ट्रिक्टली रिकमेंड करूंगा कि आप ये पूरा एनालिसिस एक बार अपने हाथ से करके देख लीजिए, ठीक है। एक बार आप इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करके देख लीजिए तो आपको ये चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है ना। तो tan phi की वैल्यू भी हमने निकाली थी सी ओमेगा डिवाइड बाय एस माइनस एम ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ये हमने हाइट डिवाइड बाय बेस करके निकाला है। और उसके बाद अगर ऊपर भी आप एस से डिवाइड करोगे और नीचे भी एस से डिवाइड करोगे, सो एस डिवाइड बाय एस इज वन माइनस It will be omega by omega whole square, ठीक है? So these are the formulas, ठीक है? तो इसकी मदद से आपको ये फॉर्मूला जो ये ग्राफ ड्रॉ किया, ठीक है, और कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ये फिगर ड्रॉ करनी है, ठीक है। एंड दिस इज एस ए, दिस इज सी ओमेगा ए, दिस इज एम ओमेगा स्क्वायर ए, एंड दिस इज एफ नॉट, ठीक है। बस इस फिगर को ड्रॉ करके आप इस फॉर्मूले को एग्जाम में बड़ी आराम से डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। तो रजी अब ये tan phi की फेज एंगल का फॉर्मूला हमने निकाला है, लगे हाथ हम फेज एंगल phi वेरी किस तरह से कर रहे हैं उसके लिए भी हमारे पास कर्व्स हैं, हम वो भी स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। तो वो कर्व्स कुछ इस प्रकार है, रजी इसके अंदर आपने एक चीज गौर की होगी, ठीक है, क्या इस डायग्राम के अंदर कि ये मेरा स्प्रिंग फोर्स है, मैं आपसे भी पूछ रहा हूं, टेस्ट ले रहा हूं आपका कि स्प्रिंग फोर्स कितना है एस ए, ठीक है। डैम्पिंग फोर्स कितना है मेरा, व्हाट इज डैम्पिंग फोर्स, सी ओमेगा ए, ठीक है। इनर्शिया फोर्स एम ओमेगा स्क्वायर ए, और एफ नॉट जो अप्लाइड फोर्स है वो है ये, ठीक है। ऐसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि ये आगे टॉपिक में काम आएगा, ठीक है, उसमें काम आएगा कि स्प्रिंग फोर्स ऐसे लग रहा है और डैम्पिंग फोर्स ऐसे लग रहा है, ठीक है ना। तो आगे हम निकाल के देखते हैं टैन फाई के कर्व्स, ठीक है। तो किस तरह से एंगल फाई वेरी करता है ओमेगा बाय ओमेगा एन रेशो के साथ,
ठीक है, तो अभी भी हमने फॉर्मूला किया था क्या कि tan phi इज इक्वल टू 2 झाई ओमेगा बाय ओमेगा एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस ओमेगा बाय ओमेगा एन का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अभी भी हमने कवर किया था। ठीक है, तो रजे अगर आप ध्यान से देखो क्या, तो इसमें पता चल रहा है हमें क्लियरली कि जो tan phi की वैल्यू है, जो रजे tan phi की वैल्यू, phi की जो वैल्यू है वो सिर्फ दो चीजों पे डिपेंड करती है, और एक तो है क्या झाई, ये क्या है हमारा डैम्पिंग फैक्टर, डैम्पिंग फैक्टर, और दूसरा ओमेगा बाय ओमेगा एंड दैट इज रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसीज। ओमेगा क्या चीज है, ओमेगा है हमारा फोर्स की, हार्मोनिक फोर्स जो हमने लगा रखी है उसकी फ्रीक्वेंसी है, फोर्स की फ्रीक्वेंसी है, और ओमेगा एन है हमारे सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो रजे आप एक छोटा सा काम करिए, एक छोटा सा काम करिए क्या कि आप इस फॉर्मूले के अंदर, आप इस फॉर्मूले के अंदर ओमेगा बाय ओमेगा एन इस रेशियो को 1 रख के देखिए क्या आ रहा है। ठीक है, तो जैसे आप इसके अंदर ओमेगा बाय ओमेगा एन को 1 रखते हैं, ठीक है, ऊपर तो राजे जो भी कोई नंबर आ रहा होगा 2 झाई ऊपर आ रहा है, 2 झाई ओमेगा बाय ओमेगा एन मैंने 1 कर दिया है। ठीक है, तो ऊपर क्या आ रहा है 2 झाई, और नीचे क्या आएगा ओमेगा बाय ओमेगा एन 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा 0, सो इट इज 0 इज इक्वल टू इंफिनिटी। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से एक बड़ी ही प्यारी बात जो हमें पता चलती है क्या, जो एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्या, कि व्हेन ओमेगा बाय ओमेगा एन, जब ओमेगा बाय ओमेगा एन इसकी वैल्यू जब 1 होती है, 1, ठीक है, जब ये फ्रीक्वेंसी का रेशियो जब 1 होता है, ऐसे में जो फेज लैग है फाई, यानी कि जो मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो फोर्स वेक्टर से कितना पीछे चल रहा है, ठीक है, दैट इज फाई, तो फेज लैग कितना है, इट इज ऑलवेज 90 डिग्री इररिस्पेक्टिव ऑफ द डैम्पिंग। ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द डैम्पिंग वो क्या रहता है कि डैम्पिंग है नहीं है, कम है ज्यादा है कितनी है फर्क नहीं पड़ता, व्हेन ओमेगा बाय ओमेगा इज इक्वल टू 1 मेरा जो फेज लैग फाई है उसकी वैल्यू क्या रहती है 90 डिग्री। ठीक है, सबसे पहली बात तो पता चलती है। दूसरी बात हमें इस डायग्राम से क्या पता चलता है क्या कि जब फ्रीक्वेंसी रेशो की वैल्यू काफी कम है, ठीक है, मतलब जब ओमेगा की वैल्यू काफी कम है, जब फ्रीक्वेंसी काफी कम है, ओमेगा जब काफी कम है, ऐसे केस में जो हमारा जो फेज फेज डिफरेंस आता है इट इज ऑलमोस्ट 0। ठीक है, वो क्या रहता है उसकी वैल्यू काफी कम रहती है, कम रहती है या फिर क्या रहती है 0। और जैसे ही ओमेगा बाय ओमेगा एन की रेशियो बढ़ती है या फिर यूं कहें कि ओमेगा की वैल्यू ज्यादा होती है, हमारी जो एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी है वो हमारी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से काफी ज्यादा है, ऐसे केस में जो हमारा फेज डिफरेंस रहता है इट इज अराउंड अप्रोक्सीमेटली 180 डिग्रीज। ठीक है, वो 180 डिग्री के आसपास रहता है। ठीक है, और क्या चीज है, शुरुआत में मतलब ये ग्रोथ धीरे धीरे मिलती है, पर उसके बाद जब ये रेशो 1 के करीब पहुंचती है तब ये एकदम से 90 डिग्री को क्रॉस करते हैं और फिर 180 डिग्री के पास चला जाता है। ठीक है, सो दिस इज माय कर्व। ठीक है, ये मेरा फाई किस तरह से, फाई फेज लैग किस तरह से वेरी कर रहा है ओमेगा बाय ओमेगा एन के साथ, ये हमें इस कर्व से पता चलता है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो ये कि इरिस्पेक्टिव ऑफ द डैम्पिंग, जब ओमेगा बाय ओमेगा एन की वैल्यू 1 है, ऐसे में जो मेरा फेज लैग होता है इट इज ऑलवेज 90 डिग्री। ये आपको एग्जाम में काफी हेल्प करेगा। ठीक है, और अगर फ्रीक्वेंसी ओमेगा एन से कम, अगर हमारा ओमेगा ओमेगा एन से कम है ऐसे केस में फेज लैग 90 से कम होता है, और अगर ओमेगा ओमेगा एन से ज्यादा है ऐसे में फेज लैग 90 से ज्यादा होता है। ठीक है, सो दीज आर द कर्व्स। ठीक है, तो ये कर्व आपको ध्यान में रहना चाहिए, ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगला जो हमारा टॉपिक है दैट इज मैग्निफिकेशन फैक्टर, वो क्या चीज है, दैट इज मैग्निफिकेशन फैक्टर। ठीक है, मैं इससे पहले कि मैं आपको मैग्निफिकेशन फैक्टर पढ़ाऊं, इससे पहले मैं आपको मैग्निफिकेशन फैक्टर पढ़ाऊं, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे जो मैं पूछ रहा हूं वो ये कि इन केस ऑफ फोर्स्ड वाइब्रेशन हमारे वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड कितना होता है। ठीक है, इन केस ऑफ फोर्स्ड वाइब्रेशन हमारा जो वाइब्रेशन है उसका एम्पलीट्यूड कितना होता है। ठीक है, और उसकी वैल्यू आपको मालूम है, उसकी वैल्यू क्या है, इट इज एफ नॉट बाय एस डिवाइडेड बाय, एफ नॉट बाय एस डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ओमेगा बाय ओमेगा एन होल स्क्वायर कंप्लीट का स्क्वायर प्लस 2 झाई ओमेगा बाय ओमेगा एन होल स्क्वायर।
ठीक है, दिस इज द वैल्यू, ठीक है। फोर्स वाइब्रेशन के केस में जब फोर्स लग रही है एफ नॉट साइन ओमेगा टी, हार्मोनिक फोर्स लग रही है एफ नॉट साइन ओमेगा टी, ऐसे में हमारा एम्पलीट्यूड वाइब्रेशन का कितना होता है, इट इज एफ नॉट बाय एस डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ दिस टर्म, 1 माइनस ओमेगा बाय ओमेगा एन होल स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 जाई ओमेगा बाय ओमेगा एन होल स्क्वायर, ठीक है। ये पहले क्वेश्चन का जवाब है। दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि राजी ये फोर्स हार्मोनिक लग रही है, ठीक है, ये फोर्स वेरी हो रही है, अगर ये फोर्स वेरी ना करती, अगर ये फोर्स एफ नॉट कॉन्स्टेंट रहता, कॉन्स्टेंट, ठीक है, तो ऐसे केस में हमारा जो मतलब डिस्प्लेसमेंट आता, डिफ्लेक्शन आता स्प्रिंग का, वो कितना होता, ठीक है, वो आप बचपन से जानते हैं, वो क्या होता है, एफ डिवाइडेड बाय स्टिफनेस एस, ठीक है, मतलब स्टैटिक डिफ्लेक्शन इस स्टैटिक फोर्स की वजह से, अगर एफ नॉट कॉन्स्टेंट होता, वेरी ना कर रहा होता, ऐसे केस में इस फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट कितना होता, इट इज एफ नॉट डिवाइडेड बाय एस, ठीक है। तो ये फोर्स अगर कॉन्स्टेंट लग रहा होता तो मैग्नीट्यूड कितना होता, एफ नॉट डिवाइड बाय एस। अब क्योंकि ये फोर्स हार्मोनिक है, इससे वाइब्रेशन का मैग्नीट्यूड, एम्पलीट्यूड कितना है ये, ठीक है। तो जो रेशियो है, रेशियो ऑफ माय रेशियो, रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ माय फोर्स्ड वाइब्रेशन टू द स्टैटिक डिफ्लेक्शन, टू द स्टैटिक डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड बाय दिस फोर्स एफ नॉट, ठीक है, अगर ये कॉन्स्टेंट होती, This ratio is called magnification factor, ठीक है। तो ratio of my amplitude of my steady state response or vibration to the static deflection produced by the same force if it was constant, in that case that will be, this ratio is known as magnification factor, ठीक है। तो आप भी जानते, मैं भी जानता हूं, ये एफ नॉट इससे कट जाएगा, ठीक है, एंड माई मैग्निफिकेशन फैक्टर, मेरा जो ये इससे कट जाएगा और मेरा मैग्निफिकेशन फैक्टर क्या आ जाएगा, ये, ठीक है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ माई मैग्निफिकेशन फैक्टर, ठीक है, दिस इज माई मैग्निफिकेशन फैक्टर, ठीक है। क्या है ये, एम्पलीट्यूड का रेशियो है एफ नॉट बाई एस के साथ, ठीक है। दिस कैन ऑल्सो बी रिटन इन अदर अनदर फॉर्म, ये अगर मतलब हम चाहें तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, एस डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस एम ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस सी ओमेगा होल स्क्वायर, ठीक है, पर ये वाली फॉर्म ज्यादा हेल्पफुल हमें रहती है, दोनों ही इसी मैग्निफिकेशन फैक्टर के फॉर्मूले हैं, ठीक है। सो दिस इज अवर मैग्निफिकेशन फैक्टर। अब इसके अंदर आप एक बड़ी प्यारी चीज देख रहे हो, क्या, कि जो मैग्निफिकेशन फैक्टर है, अगेन इट इज डिपेंडिंग ऑन ओनली टू थिंग्स, सिर्फ दो चीजें हैं जिसपे इसकी वैल्यू डिपेंड करती है, सिर्फ दो चीजें हैं, कौन सा, एक तो है फ्रीक्वेंसी का रेशियो ओमेगा बाय ओमेगा एन, ठीक है, और दूसरा है झाई, ठीक है, सिर्फ दो ही चीजें जिन पे ये डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो अगेन हम इसका भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, हम इसका भी वेरिएशन देख सकते हैं, ठीक है, एंड इट इज समथिंग लाइक दिस, दिस इज ओमेगा बाय ओमेगा एन, ये इस तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, और इधर है मेरा मैग्निफिकेशन फैक्टर, ये इस तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। ठीक है, एंड द डायग्राम इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो दिस इज माय मैग्निफिकेशन फैक्टर, यहां पे इस तरफ है एक वैल्यू है 1, 2, 3, ठीक है, और यहां पर है मेरा फ्रीक्वेंसी रेशियो, और ये जो अलग अलग कर्व्स मैंने ड्रॉ किए फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ डैम्पिंग फैक्टर या डैम्पिंग रेशियो, ठीक है, जैसे ये जो वैल्यू है ये है मेरी फॉर डैम्पिंग फैक्टर 0, जब डैम्पिंग है ही नहीं, ठीक है,
और ये वाली जो कर्व है दिस इज फॉर 0.1, ये वाली कर्व है फॉर 0.2, ये है फॉर 0.3 एंड ये कुछ ऐसे ऐसे कर्व्स नीचे जाती जाएंगी एंड दिस कर्व इज व्हेन डैम्पिंग इज 1.0, दैट मींस क्रिटिकल डैम्पिंग। ठीक है, तो ये कर्व हमारे पास निकल के आता है। ठीक है, इसमें बड़ी प्यारी चीज जो हमें नजर आ रही है, जो मैंने राजी आपको फर्स्ट लेक्चर में कहा था कि मैं आपको बाद में बताऊंगा क्या, कि देयर इज अ सिचुएशन कॉल्ड रेजोनेंस। ठीक है, रेजोनेंस, रेजोनेंस एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर ओमेगा, ओमेगा यानी कि जो हमारी फोर्स की फ्रीक्वेंसी है वो हमारी सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाती है। ठीक है ना, तो अगर आप ध्यान से देखिए कि अगर फोर्स की फ्रीक्वेंसी सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाती है, अगर ओमेगा ओमेगा एन के बराबर हो जाता है, इस केस में ओमेगा बाय ओमेगा एन क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, और ऐसे केस में अगर डैम्पिंग नहीं है, अगर डैम्पिंग नहीं है, आप फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज को पुट करके देखिए, ऐसे केस में अब डैम्पिंग नहीं है, डैम्पिंग नहीं है तो ये टर्म झाई जीरो हो गया, ये टर्म बिल्कुल खत्म हो चुकी है। ठीक है, और यहां पर ओमेगा बाय ओमेगा ये है 1 और 1 माइनस 1 हो गया 0, स्क्वायर रूट ऑफ 0 0, तो मैग्निफिकेशन फैक्टर क्या आ गया, 1 डिवाइडेड बाय 0 यानी कि इंफिनिटी। ठीक है, तो ऐसे में आपका मैग्निफिकेशन फैक्टर कितना हो जाता है, इट इज इंफिनिटी। मतलब अगर हल्का सा भी अगर मतलब फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, एम्पलीट्यूड जरा सा होना चाहिए था, चाहिए था। ठीक है, पर अगर रेजोनेंस की सिचुएशन है, ओमेगा बाय ओमेगा एन अगर 1 है तो मैग्निफिकेशन फैक्टर इंफिनिटी होगा, यानी कि जो आपकी वाइब्रेशन है वो कितनी एम्पलीफाई हो जाएगी इनफाइनाइट टाइम्स। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड वाइब्रेशन का इंफिनिटी होगा, आपका सिस्टम टूट जाएगा। ठीक है, पर आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ठीक है ना, एक्चुअल में रियलिटी में कुछ ना कुछ डैम्पिंग होती है, तो उस वजह से मैग्निफिकेशन फैक्टर इंफिनिटी ना होने की बजाय उसकी वैल्यू उससे थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है ना, तो हालांकि स्टिल यू कैन सी इट इज द वैल्यू इज रियली वेरी हाई। ठीक है, वाइब्रेशन फिर भी बहुत ज्यादा मैग्निफाई हो रही है। ठीक है ना, तो एज अ रिजल्ट हम ये जो सिचुएशन है रेजोनेंस की काफी डेंजरस रहती है। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन फैक्टर मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम रेजोनेंस की स्टेटमेंट दैट इज इंफिनिटी जब डैम्पिंग नहीं है, और जैसे जैसे आप डैम्पिंग को इंट्रोड्यूस करते रहते हो वैसे वैसे मैग्निफिकेशन फैक्टर की वैल्यू क्या है, घटती चली जाती है। ठीक है ना, सो दिस इज अगेन ये जो कर्व्स हम ड्रॉ कर रहे हैं, तीन कर्व्स ड्रॉ करेंगे, एक पहले की थी, अब दूसरी अब की, एक अभी थोड़ी देर में करूंगा, ये तीनों ही कर्व्स राजे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगली बार आप जब किसी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम कोई देने जाओगे आप, तो डेफिनेटली आपको किसी ना किसी पेपर के अंदर कर्व्स जरूर टकर जाएंगी। ठीक है, तो आइए, तो हमने ये पढ़ लिया। ठीक है, और इससे अगला जो टॉपिक है दैट इज अवर वाइब्रेशन आइसोलेशन एंड ट्रांसमिसिबिलिटी, तो आइए वो देखते हैं, वो क्या चीज है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज वाइब्रेशन आइसोलेशन एंड ट्रांसमिसिबिलिटी। ठीक है रजी, एक्चुअली क्या चीज है, क्या कि जैसे अगर हम डायग्राम देख रहे हैं, यहां पर हमारे पास ड्रॉ हुआ हुआ है कि ये रूफ है, इसके साथ हमने स्प्रिंग लगा रखे है, डैम्पर लगा रखे है, और नीचे मास जो हैंग हुआ हुआ है। ठीक है, तो इसके ऊपर आप फोर्स लगा रहे हो रजी, अब मास के ऊपर ये जो फोर्सेस लग रहे हैं, एक इनर्शिया फोर्स है, दैट इज एन इनर्शिया फोर्स, इमेजिनरी फोर्स है, ये फोर्स हम इसके ऊपर लगा रहे हैं। मेरा आपसे एक प्रश्न है कि जो रूफ है, छत है, जो जिससे हमारे सिस्टम जुड़ा हुआ है, उसमें कौन कौन सी फोर्सेस ट्रांसमिट हो रही है, उसमें मेरा छोटा सा सवाल है कि उसमें कौन कौन सी फोर्सेस ट्रांसमिट हो रही है। ठीक है, और उसमें कौन सी फोर्स है राजी जो यहां पर ट्रांसमिट हो रही है, दो फोर्सेस ट्रांसमिट हो रही है, एक तो है स्प्रिंग फोर्स एस एक्स, एक तो ये फोर्स ट्रांसमिट हो रही है, दूसरी कौन सी फोर्स ट्रांसमिट हो रही है, मेरी डैम्पिंग फोर्स सी एक्स डॉट, दूसरी ये फोर्स ट्रांसमिट हो रही है। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या ऊपर रूफ पे इन दोनों का सम, इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो एक्ट करेगा हमारे रूफ के ऊपर या बेस के ऊपर जिसके ऊपर सिस्टम जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, तो या फिर उन दोनों का वेक्टर सम। ठीक है, वेक्टर सम इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले थोड़ा सा जोर देके आपको बताया था कि जो मेरी स्प्रिंग फोर्स है और जो मेरी डैम्पिंग फोर्स है, ये दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर एक्ट करती है। ठीक है, तो बेसिकली क्या चीज है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड फोर्स ट्रांसमिटेड एफटी। ठीक है, फोर्स ट्रांसमिटेड एफटी। ठीक है, तो जो फोर्स ट्रांसमिट हो रही है रूफ को, ठीक है, जो मैक्सिमम फोर्स जो ट्रांसमिट हो रही है
छत पे जिस पे हमारा सिस्टम जुड़ा हुआ है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, वो होगा इट विल बी वेक्टर सम ऑफ दिस माय स्प्रिंग फोर्स एंड माय डैम्पिंग फोर्स। ठीक है, तो इन दोनों का वेक्टर सम होगा, दोनों फोर्सेस 90 डिग्री में है, तो मैं पाइथागोरस लगा लूंगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ट्रांसमिटेड फोर्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, राइट, उस टाइम पे आपको बताया था मेरा स्प्रिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है एस ए, ठीक है, एस ए का स्क्वायर प्लस, और उस टाइम पे मैंने जब वो आपको ग्राफ ड्रॉ करवाया था ये वाला, ठीक है, तो तब मैंने आपको बताया था कि जो मेरा डैम्पिंग फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, इट इज सी ओमेगा ए, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज माई ट्रांसमिटेड फोर्स, ये है मेरी ट्रांसमिटेड फोर्स। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू अब ए स्क्वायर दोनों में से कॉमन आ जाएगा, ए स्क्वायर बाहर आके क्या बन जाएगा, ब्रैकेट के अंदर है ए स्क्वायर, बाहर आके बन जाएगा ए, सो इट इज इक्वल टू ए स्क्वायर रूट ऑफ एस स्क्वायर प्लस सी ओमेगा होल स्क्वायर। ठीक है, दिस इज माई ट्रांसमिटेड फोर्स। ठीक है, जहां पर ए क्या चीज है, ए है एम्पलीट्यूड ऑफ माई फोर्स्ड वाइब्रेशन। ठीक है, और ए की वैल्यू हम जानते हैं, ए की क्या वैल्यू है राजी, इट इज एस स्क्वायर प्लस सी ओमेगा होल स्क्वायर। ए की क्या वैल्यू है, ए होता है हमारा एफ नॉट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस एम ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस सी ओमेगा होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, एफ नॉट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस एम ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस सी ओमेगा होल स्क्वायर। ये राजी, ये मैंने क्या निकाल दिया, ये मैंने निकाल दिया अपना F ट्रांसमिटेड। ठीक है, ये वो फोर्स है जो मेरी फाउंडेशन पे ट्रांसमिट हो रही है। ठीक है, तो राजे देयर इज समथिंग कॉल्ड ट्रांसमिसिबिलिटी। ठीक है, देयर इज समथिंग कॉल्ड ट्रांसमिसिबिलिटी। ठीक है, वो क्या चीज है, दैट इट इज द रेशियो, इट इज द रेशियो रेशियो ऑफ माय फोर्स ट्रांसमिटेड टू द फोर्स एक्टिंग। ठीक है, जो फोर्स फाउंडेशन में ट्रांसमिट हो रही है, ठीक है, उसकी रेशियो उस फोर्स के साथ जो मैं अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, दैट इज व्हाट इज नोन एज ट्रांसमिसिबिलिटी। ठीक है, तो द रेशियो ऑफ दिस फोर्स अप्लाइड एफ टी टू माई फोर्स एक्टिंग एफ नॉट, ठीक है, ये क्या होगा, दैट विल बी माई ट्रांसमिसिबिलिटी। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, इसको मैं एफ नॉट से डिवाइड कर रहा हूं, तो एफ नॉट से एफ नॉट कट जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास फॉर्मूला आ गया ये, ठीक है, दिस इज माय फॉर्मूला ये, ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर ट्रांसमिसिबिलिटी। ये क्या चीज है राजे, ट्रांसमिसिबिलिटी इज इक्वल टू फोर्स ट्रांसमिटेड डिवाइडेड बाय फोर्स अप्लाइड, वो फोर्स जो फाउंडेशन में ट्रांसमिट हो रही है डिवाइड बाय वो फोर्स जो आप अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, सो इट इज इक्वल टू, ये निकल के क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ एस स्क्वायर प्लस सी ओमेगा होल का स्क्वायर डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस एन ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस ओमेगा होल स्क्वायर। ठीक है, अगेन इसे एक मोर यूजेबल फॉर्म में डेवलप करने के लिए आपको ये पता है, मुझे पता है हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय एस कर देंगे ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, तो डिवाइड बाय एस करके मेरे पास ट्रांसमिसिबिलिटी यानी एफ टी बाय एफ नॉट, इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ, यहां पे क्या आ जाएगा, एस से डिवाइड करूंगा अंदर जाके, एस स्क्वायर से डिवाइड करूंगा, सो इट इज वन प्लस टू झाई ओमेगा बाय ओमेगा एन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, स्क्वायर रूट की वैल्यू हमें मालूम है, इट इज वन माइनस ओमेगा बाय ओमेगा एन का होल स्क्वायर पूरे का स्क्वायर। ठीक है, प्लस टू झाई ओमेगा बाय ओमेगा एन का होल स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज माय फॉर्मूला। राजे सारे फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तक मैंने आपको मेनली राजे इतने सारे जो भी हम पढ़ रहे हैं आपको जो फॉर्मूला याद रखना है, एक तो सबसे पहले फोर्स का जो एम्पलीट्यूड था, एम्पलीट्यूड, ठीक है, उसका फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, दूसरा अभी हमने मैग्निफिकेशन फैक्टर किया था, उसके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, उसका फॉर्मूला आपको याद रखना है। और तीसरा अब हम कर रहे हैं ट्रांसमिसिबिलिटी, ठीक है, इसका जो फॉर्मूला ये निकल के आया ये आपको याद रखना है। ठीक है राजी, फॉर्मूले याद नहीं किए जाते, ठीक है ना, आपको एक बार मैंने ये इस तरह से ड्रॉ करवा के आपको एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला निकालना सिखा दिया। ठीक है, अब उसकी मदद से आप बड़े आराम से खुद डिराइव कर सकते हो मैग्निफिकेशन फैक्टर का फॉर्मूला, और आप खुद डिराइव कर सकते हो ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो ये इतना कुछ याद करने का नहीं है, आप एक दो बार ये सारी चीज अपने हाथ से निकाल लीजिए, सिर्फ एक दो बार आपको ये सारे फॉर्मूले अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है ना,
सो दिस इज माई ट्रांसमिसिबिलिटी, ठीक है। तो इसके अंदर भी ना राजे, अब ये हमने फॉर्मूले डेवलप कर लिए, कुछ स्पेशल केसेस हैं, ठीक है। ये राजे तीनों ही चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, मैग्निफिकेशन फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और ट्रांसमिसिबिलिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप प्रीवियस ईयर गेट के पेपर देखिए, आप सबके अंदर इसके तीनों ही चीजों के क्वेश्चन आए हुए, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हम करके देखते हैं, ठीक है। क्या जिसमें सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट केस है, क्या कि अगर सिचुएशन हो रेजोनेंस की, ठीक है, क्या एट रेजोनेंस, ठीक है, अगर रेजोनेंस हो, ऐसे में क्या होगा, जब रेजोनेंस होता है तो ओमेगा ओमेगा एन के बराबर हो जाता है, जब रेजोनेंस होता है तो ओमेगा बाय ओमेगा एन क्या हो जाता है, वन, ठीक है। तो राजी ये ओमेगा बाय ओमेगा एन, इसको मैं वन पुट कर रहा हूं, वन, तो मेरे पास ऊपर क्या आ जाएगा, मेरे पास आ रहा है झाई, सॉरी, ट्रांसमिसिबिलिटी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस टू झाई का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया मेरा ऊपर वाला टर्म, वन प्लस टू झाई, ये हो गया वन का होल स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय राजीव ओमेगा बाय ओमेगा एन, ये है वन, वन माइनस वन जीरो, ये पूरी टर्म खत्म हो गई, खत्म हो गई, ओमेगा बाय ओमेगा एन ये है वन, तो यहां पे क्या बचा है, टू झाई का स्क्वायर, और उसके बाद है उसका स्क्वायर रूट, स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो मेरे पास नीचे क्या आ रहा है, टू झाई, ठीक है। तो ये ट्रांसमिसिबिलिटी का फॉर्मूला है, वेन वेन ओमेगा बाय ओमेगा एन क्या है, वन, ठीक है। राजी ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इससे अपने आप आ रहा है, ठीक है ना, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप खुद इससे इसको निकाल सकते हैं, करना क्या है, ओमेगा बाय ओमेगा एन को वन पुट करने, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। और जो सेकंड केस है वो है क्या, व्हेन व्हेन झाई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो दूसरा केस क्या है कि जब आप डैम्पर का इस्तेमाल नहीं कर रहे, जब डैम्पिंग नहीं है सिस्टम में, व्हेन झाई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। बड़े इंटरेस्टिंग और प्यारा केस है, इसके क्वेश्चन भी एग्जाम में है, क्या राजी में झाई की वैल्यू जीरो हो गई तो ये पूरी टर्म खत्म हो जाएगी, तो स्क्वायर रूट ऑफ वन क्या बचेगा, वन, तो ट्रांसमिसिबिलिटी इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाय ये क्या है, व्हेन डैम्पिंग इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय, अब झाई की वैल्यू जीरो है, डैम्पिंग नहीं है, तो ये टर्म भी खत्म हो गई, ठीक है। अब क्या चीज आ रही है राजी, ये पूरा ब्रैकेट का स्क्वायर रूट आ रहा है, ठीक है, ये पूरा जो ब्रैकेट है ये इसके स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ रहा है, ठीक है, स्क्वायर का स्क्वायर रूट कट जाएगा, ठीक है। तो क्या आएगा मेरे पास, मेरे पास आएगा वन माइनस ओमेगा बाय ओमेगा एन का होल स्क्वायर, ठीक है। सो ये आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, वन माइनस ओमेगा बाय ओमेगा एन का होल स्क्वायर, बाहर वाला स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया, ठीक है। एक और भी चीज आएगी, इसके आएगा प्लस माइनस, ठीक है। अब ये प्लस माइनस कहां से आ गया, प्लस माइनस कहां से आ गया रजी, 2 का स्क्वायर रूट क्या होता है, ठीक है, 2 का स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 4, ठीक है, पर 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, प्लस माइनस 2, ठीक है ना। तो उसी प्रकार रजी यहां पे क्या आएगा, प्लस और माइनस आएगा, ठीक है। ये तो मतलब मैथमेटिकली मैंने आपको वैसे बता दिया है, पर इसका सिग्निफिकेंस क्या है मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि न्यूमेरिकल में ये चीज आप, ये पॉइंट आप यूज करोगे, ठीक है। रजी ध्यान से देखिएगा, ट्रांसमिसिबिलिटी क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स ट्रांसमिटेड टू फोर्स अप्लाइड, ठीक है ना, फोर्स जो ट्रांसमिट हो रही है डिवाइड बाय फोर्स जो हम अप्लाई कर रहे हैं, क्या ये कभी नेगेटिव हो सकती है, नहीं, ये नेगेटिव नहीं होगी, ठीक है। रेशियो है दो फोर्सेस की, हमेशा पॉजिटिव रहेगी, उनके मैग्नीट्यूड्स की, उनके एम्पलीट्यूड्स की रेशियो है, तो ये पॉजिटिव रहेगी, ठीक है ना। अब क्या चीज है, ध्यान से देखिएगा, अगर ओमेगा ओमेगा एन से कम है, अगर ओमेगा ओमेगा एन से कम है, ठीक है, ऐसे में ये जो रेशो है ये वन से कम आएगी, तो वन माइनस वन से छोटा नंबर, इट विल बी पॉजिटिव, तो ये पूरी टर्म क्या आएगी, पॉजिटिव, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या, कौन सा सिंबल लेंगे, हम यहाँ पे प्लस साइन लेंगे, ताकि हमारी ट्रांसमिसिबिलिटी क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। पर गौर करिए, अगर ओमेगा की वैल्यू ओमेगा एन से ज्यादा है, अगर ओमेगा की वैल्यू अगर ओमेगा एन से ज्यादा है, तो ये जो स्क्वायर आएगा, ये जो नंबर आएगा वन से, रेशो वन से ज्यादा आएगी, स्क्वायर वन से ज्यादा आएगा, ऐसे में वन माइनस ए वन से बड़ा नंबर, ये पूरा ब्रैकेट क्या आएगा, ये नेगेटिव आएगा, ठीक है।
तो जब ये ब्रैकेट नेगेटिव आएगा और ट्रांसमिसिबिलिटी हमेशा ही मेरी क्या पॉजिटिव, तो मैं यहाँ पे क्या लूंगा, माइनस साइन लूंगा, ठीक है। तो ये चीज आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेगी, ठीक है। सो दिस इज, दीज आर द टू केसेस, ठीक है। तो ये आ गया ट्रांसमिसिबिलिटी का फॉर्मूला, व्हेन जब डैम्पिंग नहीं है, इसको भी याद करने की जरूरत नहीं, आप इससे खुद निकाल सकते हो, ठीक है। तीसरा बड़ा ही प्यारा और बहुत ही इंटरेस्टिंग केस मैं अभी आपको करने के लिए दे रहा हूं, आप लेक्चर को पॉज करके आप इसे करके देख सकते हैं। व्हेन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, व्हेन ओमेगा बाय ओमेगा एन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट टू, ठीक है। बड़ा ही प्यारा केस है, जब ओमेगा बाय ओमेगा एन इसकी वैल्यू स्क्वायर रूट टू के बराबर है, ठीक है। करके देखिएगा राजे, ओमेगा बाय ओमेगा एन ये है स्क्वायर रूट टू, तो इस ब्रैकेट के अंदर क्या आ रहा है हमारे पास, टू स्क्वायर रूट टू जाई का स्क्वायर, so it will be पूरा ये क्या आ जाएगा, transmissibility is equal to it will be square root of 1 plus 2, ये है omega by omega, ये है root 2 और ये है 2, तो 2 square root 2 का square क्या होता है 8, ठीक है, 8 जाई square divided by, हाँ जी, omega by omega n ये क्या है square root 2, इसका square यानी 2, 1 minus 2 क्या होता है minus 1, minus 1 का square 1, ठीक है। So it is square root of 1 plus यहां पे क्या आएगा, अगेन ओमेगा बाय ओमेगा एन दैट इज स्क्वायर रूट 2, 2 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा प्लस 8 जाई स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया, तो इससे ये टर्म कट जाएगी इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो जाई की वैल्यू क्या आएगी 1, ठीक है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग केस है, क्या कि जब ओमेगा बाय ओमेगा एन इसकी वैल्यू होती है स्क्वायर रूट 2, ठीक है, जब फ्रीक्वेंसी रेशियो रेशियो ऑफ माई फोर्स frequency of force, excitation force to the ratio of natural frequency of the system, जब ये square root 2 के बराबर होता है, ऐसे में जो मेरा transmissibility है, वो क्या हो जाएगा, that is 1, ठीक है, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीन बड़ी special cases हैं, इनके formula के हमें exams में जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो राजीव मेरा कुल मतलब तीन curves हैं जो exam में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, और सच्चाई बताऊं तो सबसे ज्यादा जो एग्जाम में ग्राफ पूछा जाता है वाइब्रेशंस के अंदर, वो ये वाला है जो अब हम ड्रॉ करने वाले हैं, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ये आपको गवर्नमेंट जॉब्स में बहुत ज्यादा आपको मिलेगा ही, ठीक है। तो आइए ड्रॉ करके देखते हैं, दिस इज द वेरिएशन बिटवीन ट्रांसमिसिबिलिटी एंड फ्रीक्वेंसी रेशियो, ठीक है। फॉर्मुलों को देखने के बाद आपको ये तो पता लग ही गया होगा कि जो हमारी ट्रांसमिसिबिलिटी है, ये सिर्फ दो चीजों पे डिपेंड करी, एक है फ्रीक्वेंसी रेशियो और दूसरा है डैम्पिंग फैक्टर झाई, ठीक है। तो जब आप उसके लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो इट इज समथिंग लाइक दिस, दिस इज 1, दिस इज 1.5, दिस इज 2, 2.5, this is 3 and so on, ठीक है। और यहां पे हम ले रहे हैं 1, ठीक है, and here we have 2, 3, 4, ठीक है। यहां पर है हमारे पास ट्रांसमिसिबिलिटी इस तरफ, ठीक है, और यहां पे फ्रीक्वेंसी रेशियो ये, तो राजी ड्रॉ करते हैं ट्रांसमिसिबिलिटी, दिस इज 1 और द कर्व्स दे आर समथिंग लाइक दिस,
ठीक है, सो दिस इज 0 0, ठीक है, झाई की वैल्यू क्या है, 0, ठीक है, और ये वाली कर्व ये आ रही है मेरे पास, झाई इज इक्वल टू 0, ठीक है, और ये है मेरे पास झाई इज इक्वल टू 0.1, ठीक है, और ये वैल्यू क्या है, 0.1, ठीक है, और ये वैल्यू है मेरे पास 0.2, ठीक है, और ये वैल्यू आ रही है मेरे पास 0.2, ठीक है, एंड दिस वैल्यू इज 0.3 एंड दिस वैल्यू इज ऑल्सो 0.3, ठीक है. सो दिस इज द ग्राफ बिटवीन ट्रांसमिसिबिलिटी, यानी कि रेशियो ऑफ फोर्स ट्रांसमिटेड टू द फाउंडेशन डिवाइडेड बाय रेशियो ऑफ फोर्स ट्रांसमिटेड टू द फाउंडेशन टू द फोर्स अप्लाइड, ठीक है, ये उनका रेशियो है, और यहां पर है ओमेगा बाय ओमेगा एन, ये इस तरफ ग्रो कर रहा है, ठीक है, और ये हमने वेरिएशन ड्रॉ की है फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ डैम्पिंग, ठीक है. इसमें राजी कुछ जो सब बहुत ही राजी, एक आप एग्जाम्स, अब जितने भी एग्जाम्स हो गए आप देखोगे कि इसका क्वेश्चन आपको ऑलमोस्ट हर दूसरे एग्जाम में टकरेगा, ठीक है. तो क्या चीज है, क्या इसमें जो सबसे पहली चीज, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें पता चलती है, क्या कि जो ट्रांसमिसिबिलिटी है इस, अगर ओमेगा बाय ओमेगा एन, अगर ओमेगा बाय ओमेगा एन इसकी वैल्यू स्क्वायर रूट टू है, स्क्वायर रूट टू, ठीक है, तो ट्रांसमिसिबिलिटी की वैल्यू हमेशा ही इरिस्पेक्टिव ऑफ द डैम्पिंग क्या रहती है, हमेशा ही क्या रहती है, वन रहती है हमेशा. इट इज वन ऑफ द श्योर शॉट क्वेश्चंस, ठीक है ना. तो अगर ओमेगा बाय ओमेगा एन स्क्वायर रूट टू के बराबर है, अगर ये रेशियो स्क्वायर रूट टू के बराबर है, तो ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो की वैल्यू हमेशा ही क्या रहती है, वन रहती है, ठीक है. और अगर ओमेगा बाय ओमेगा एन स्क्वायर रूट टू से कम है, अगर स्क्वायर रूट टू से कम है, ठीक है, तो ट्रांसमिसिबिलिटी हमेशा ही क्या रहती है, वन से ज्यादा रहती है, ठीक है. बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है ये, क्या कि अगर ओमेगा बाय ओमेगा एन अगर इसका रेशियो स्क्वायर रूट टू से कम है, ऐसे में जो फोर्स ट्रांसमिट हो रहा होगा फाउंडेशन को वो हमेशा ही ज्यादा होगा फोर्स अप्लाइड के, ठीक है. और अगर ओमेगा बाय ओमेगा एन स्क्वायर रूट टू से ज्यादा है, अगर आप इधर देखें, ठीक है, ऐसे में जो ट्रांसमिसिबिलिटी की वैल्यू है वो हमेशा ही क्या रहती है, वन से कम रहती है, ठीक है. तो कितनी प्यारी चीज है, क्या कि अगर ओमेगा बाय ओमेगा एन स्क्वायर रूट टू के बराबर है, तो ट्रांसमिटेड फोर्स और अप्लाइड फोर्स बराबर होता है, ठीक है. अगर ओमेगा बाय ओमेगा एन स्क्वायर रूट टू से कम है, ऐसे केस में जो ट्रांसमिटेड फोर्स है फाउंडेशन को वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू अप्लाइड फोर्स, ठीक है, ज्यादा होगा, हमेशा ही ज्यादा होगा, ठीक है. और अगर ओमेगा की वैल्यू ज्यादा है ओमेगा एन से, ऐसे केस में जो ट्रांसमिटेड फोर्स है वो हमेशा ही कम होता है एज कम्पेयर टू हमारा अप्लाइड फोर्स, ठीक है. ये तीन कंक्लूजन हमने देखे. अब चौथे कंक्लूजन देखिए, क्या कि आपको ट्रांसमिसिबिलिटी की मैक्सिमम वैल्यू हमेशा ही किस केस में मिलती है, हमेशा ही एट रेजोनेंस, ठीक है, जब रेजोनेंस हो रहा होगा, जब ओमेगा बाय ओमेगा एन वन होगा, ऐसे केस में ट्रांसमिसिबिलिटी की वैल्यू हमेशा ही क्या होगी, मैक्सिमम होगी. ट्रांसमिसिबिलिटी की वैल्यू फोर्स ट्रांसमिटेड इंफिनिटी होगा, इंफिनिटी अगर डैम्पिंग नहीं है, अगर डैम्पिंग है 0, और जैसे से आप डैम्पिंग बढ़ाएंगे तो उसकी वैल्यू कम होती चली जाएगी, ये चीज, ठीक है. सो दैट वाज अवर फोर्थ कंक्लूजन, ठीक है. और राजी जो पांचवा कंक्लूजन है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्या, थोड़ा अगर आप ध्यान से देखें, क्या कि अगर आप स्क्वायर रूट टू से इस तरफ काम कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा गौर करिएगा इस बात पे कि जैसे से आप ट्रांसमिसिबिलिटी, जैसे जैसे आप डैम्पिंग को बढ़ा रहे हो, डैम्पिंग यहाँ पे 0, यहाँ पे 0.1, 0.2, 0.3, ठीक है, जैसे से आप डैम्पिंग बढ़ा रहे हो तो ट्रांसमिसिबिलिटी गिर रही है, यानी कि रूट टू से पहले डैम्पिंग बढ़ाने से जो फोर्स ट्रांसमिटेड है वो क्या होता जाता है, वो कम होता जाता है, सही है, ठीक है. पर स्क्वायर रूट टू के बाद की सिचुएशन देखिए, यहां पर अगर आप गौर करें तो यहां पर हमारे डैम्पिंग कितनी है, 0, यहां पर है 0.1, 0.2, 0.3, तो कुछ गौर कर रहे हैं, आपकी स्क्वायर रूट टू के बाद जैसे जैसे आप बढ़ाते हैं फोर्स को, जैसे जैसे आप बढ़ाते हैं डैम्पिंग को, तो डैम्पिंग बढ़ाने से फोर्स ट्रांसमिटेड बढ़ रहा है, ठीक है, मतलब अपोजिट ही चल रहा है, ठीक है. स्क्वायर रूट टू से पहले डैम्पिंग बढ़ाओ तो फोर्स ट्रांसमिटेड कम होता है, और स्क्वायर रूट टू के बाद अगर डैम्पिंग बढ़ा रहे हो तो फोर्स ट्रांसमिटेड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है. तो ये सारी चीजें एग्जाम्स में पूछी जाती है, ठीक है ना. तो दिस वॉज फोर्स्ड वाइब्रेशन, ठीक है, आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया है, ठीक है.
आप इसके क्वेश्चन ट्राई करके देखिए, आपको एक भी क्वेश्चन में डाउट नहीं आएगा, ठीक है। फोर्स वाइब्रेशन के एक भी क्वेश्चन में आपको, मैं सच्चाई बताऊं तो पूरे का पूरा वाइब्रेशन के अंदर, पूरे वाइब्रेशन के अंदर आप कोई भी न्यूमेरिकल करोगे आपको कोई डाउट नहीं आएगा, ठीक है। सिर्फ एक डी एम्बर्ट प्रिंसिपल के कुछ क्वेश्चन है, वो भी स्पेशली रोलिंग वाले, ठीक है, जिसके अंदर यहां पर एक, यहां पर इस तरह से स्प्रिंग लगा होता है, ठीक है। मे बी ये क्वेश्चन एक बार समझने की जरूरत पड़ सकती है, सोचने की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। बाकी जितने डैम्प्ड वाइब्रेशन के क्वेश्चन है सारे फॉर्मूला बेस है, सीधा अप्लाई होते हैं फॉर्मूले, वैल्यू फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ। और सेम जो यहाँ पे भी जितने भी फोर्स्ड वाइब्रेशन के क्वेश्चंस हैं, वो भी सारे के सारे फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ, उसमें कोई दिमाग नहीं लगता, ठीक है। और वैसे जो सिंपल क्वेश्चन आते हैं सीरीज पैरेलल के, या जो इनसे हमारे स्क्वायर रूट ऑफ जी बाय डेल्टा के, ठीक है, ऑल ऑफ देम दे आर वेरी सिंपल, तो आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। सो दिस वॉज अवर फोर्स्ड वाइब्रेशन। अगर आपको किसी भी तरह के डाउट्स हो, मेरे किसी भी लेक्चर के अंदर पूरे मैकेनिकल की वीडियोस हैं हमारे पास, किसी भी लेक्चर में डाउट है, आप डिस्कस करना चाहते हैं या बताना चाहते हैं कैसा लगा, कोई सजेशन है या आपकी कोई रिक्वायरमेंट है, आप उसे नीचे कमेंट्स में मेंशन कर दीजिए। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपका डाउट हम क्लियर कर दें। और अगर आपको समझ आ चुका है पूरा, आपको कोई डाउट नहीं है, तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जो बाकी स्टूडेंट्स के डाउट्स हैं, ठीक है, आप उन्हें क्लियर कर सकते हैं, आप बाकी स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको हमारी ये सीरीज बहुत ज्यादा अच्छी लगी होगी और हेल्प करा होगा इसने आपको। और अगर आपको ये अच्छा लगा है तो हमारी छोटी सी फीस हमें जरूर पे कीजिएगा। हमारे इन सभी लेक्चर्स को, जो भी लेक्चर आपको पसंद है, आप उसे सोशल मीडिया पे शेयर कीजिएगा, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच सके, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स की हम मदद कर सके, ठीक है। तो आइए अब हम कुछ क्वेश्चंस इससे रिलेटेड सॉल्व करके देखते हैं।